माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021, श्री नीरज चोपड़ा। उत्कृष्ट भाला फेंक खिलाड़ी श्री नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2018 और एशियाई खेल जकार्ता 2018 में स्वर्ण पदक जीता। श्री नीरज चोपड़ा को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री नीरज चोपड़ा। श्री रवि कुमार। श्री रवि कुमार ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में रजत पदक, एशियाई चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीता। श्री रवि कुमार को कुश्ती में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री रवि कुमार। सुश्री लवलीना बोरगोहेन। सुश्री लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीता। सुश्री लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। सुश्री लवलीना बोरगोहेन। श्री श्रीजेश पीआर। हॉकी खिलाड़ी श्री श्रीजेश पीआर ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और एशियाई खेल जकार्ता 2018 में कांस्य पदक जीता। श्री श्रीजेश पीआर को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री श्रीजेश पीआर। सुश्री अवनी लेखरा। उत्कृष्ट पैरा महिला निशानेबाजों में से एक सुश्री अवनी लेखरा ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में R2 महिला 10 एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक, 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस SH1 में कांस्य पदक जीता। सुश्री अवनी लेखरा को पैरा निशानेबाजी खेल विधा में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। सुश्री अवनी लेखरा।
श्री सुमित अंतिल। श्री सुमित अंतिल ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दुबई 2019 में रजत पदक जीता। श्री सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स खेल विधा में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री सुमित अंतिल। श्री प्रमोद भगत। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी श्री प्रमोद भगत ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक, विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप बेजिल 2019 में पुरुष एकल और पुरुष युगल स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक, एशियाई पैरा खेल 2018 में पुरुष एकल और पुरुष युगल स्पर्धाओं में स्वर्ण और कांस्य पदक, विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप उल्सान दक्षिण कोरिया 2017 में कांस्य पदक जीता। श्री प्रमोद भगत को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रमोद भगत। श्री मनीष नरवाल। पैरा निशानेबाज श्री मनीष नरवाल ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। श्री मनीष नरवाल को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री मनीष नरवाल। सुश्री मिथाली राज। उत्कृष्ट क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री मिथाली राज 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, वर्ल्ड अवार्ड 2017 में विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर सम्मान से सम्मानित हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी, महिला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर, जून 2018 में महिला 2020 एशिया कप 2018 में T20I में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सुश्री मिथाली राज को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। सुश्री मिथाली राज। सुनील छेत्री। मोस्ट कैप्ड भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी श्री सुनील छेत्री संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर, भारत के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर हैं। इन्होंने भारत के लिए 2007, 2009 और 2012 नेहरू कप तथा 2011, 2015 और 2021 SAFF चैंपियनशिप जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री सुनील छेत्री को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री सुनील छेत्री।
श्री मनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम के कप्तान श्री मनप्रीत सिंह ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीता। श्री मनप्रीत सिंह को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री मनप्रीत सिंह।